लाल चौक के इस तारीखी घंटा घर के स्टेज पर बैठे हमारी कौमी लीडरशिप के अहम रुकन और कौमी जनरल सेक्रेटरी जनाब तरुण साहब, बीजेपी यूथ विंग जिसे भारतीय जनता युवा मोर्चा कहा जाता है, इसके हमारे कौमी सदर इमरजिंग स्टार जो देश के सभी युवाओं की दिलों की धड़कन है, तेजस्वी सूर्या जी, हमारे जम्मू कश्मीर नॉर्दर्न टेरिटरी के सदर इधर ही आ रहे हैं और जम्मू कश्मीर में सबसे लोकप्रिय हमारे नेता जनाब रविंद्र रैना जी और तमाम कौमी तथा राष्ट्रीय सतह के सभी लीडर साहिबान नाम लेने में समय लग जाएगा। जनाब वाला मैं आज सबसे पहले तेजस्वी सूर्या जी को बधाई देना चाहता हूँ और बात देना चाहता हूँ जिन्होंने ये फैसला लिया कि आज से 30 वर्ष पूर्व हमारे बुजुर्गों ने जो ख्वाब देखा था लाल चौक के घंटाघर पे 26 जनवरी 1992 को पूरे मुल्क से भारतीय जनता पार्टी के कारकुन निकले थे जिनको तब की हुकूमत ने रोका और यहां नहीं आने दिया। तब से हर भाजपा भारतीय जनता पार्टी के कारकुन के लिए चिंगारी थी कि कब वो समय आएगा, कब वो वक्त आएगा जब उसी तरह से पूरे मुल्क से भारतीय जनता पार्टी का कारकुन इस घंटाघर में आके तिरंगा लगाएगा और वो आज उन बुजुर्गों का ख्वाब पूरा हुआ। इसके लिए मैं बहुत बात दूंगा तेजस्वी जी को और उनकी पूरी टीम को जो पिछले कई दिनों से यहां पे रहे हैं। उसके बाद मैं मुबारक दूंगा कश्मीर की आम को जिस आम ने आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के इस फैसले का खैर मकदम करने के लिए कश्मीर के कोने कोने से हाथ में तिरंगा लेके लाल चौक की तरफ भरे हैं। अभी भी अगर आप पीछे नजर मारेंगे सैकड़ों कार्यकर्ता हाथ में तिरंगा लेके हमारे इस मुल्क के हर जगह हर कोने से आए हुए बीजेपी के मरकर का खेल खत्म करने के लिए दौड़ रहे हैं। साथियों आज से 42 साल पहले 1980 में हमारे बुजुर्ग हमारे कायद जनाब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुंबई की धरती से एक ऐलान किया था। जब भारतीय जनता पार्टी बनी थी उन्होंने कहा था वहां चूंकि समुन्दर है समुन्दर के किनारे खड़े होकर कहा था कि एक वक्त आएगा जब हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। आज एक छोटा सा एक कार्टून भारतीय जनता पार्टी का कार्टून इतनी हिम्मत रखता है और ये कहने का साहस करता है बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात आप सबके सामने मैं कहना चाहता हूं और तुम लुकन युद्ध माइक स्थानी वंशी वंशी के पीछे पीछे मुसलमान नहीं दुश्मन तुम युद्ध वंशी के पीछे पीछे काशी नहीं दुश्मन ये मंच था तुम युद्ध वंशी के वरन कि बारे आज जल्दी ये तो क्या फिर दिखावा क्या जम्मू कश्मीर इस मंच से हिंदुस्तानी भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर असल सरकार बनाई हमारी अपनी सरकार होगी ये विश्वास ये संदेश
को नहीं हो पाया था, आज इस भारतीय जनता पार्टी की ताकत से घबराए हुए दो परिवारों ने एक अलायंस बनाया है। इनको ट्रिपल अलायंस पर गुप्ता डिक्लेरेशन नहीं पूछे कहिए, ये दो फैमिलीज का अलायंस है। उन दो फैमिलीज का जिन्होंने कश्मीर के साथ धोखा किया है, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से लेकर आज उनकी तीसरी पीढ़ी खर्चूस रही है कश्मीरों का। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ इस नेशनल कांग्रेस से, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ इस पीडीपी से, जब 370 नहीं था, जब 370 था तब कश्मीर के गाँव में जाके कहते थे आज हमें लोग 370 बचाएंगे, अब 370 गया अंदर जाके ये कह रहे हैं क्या मेरे वोट दीजिए हम 370 वापस आएंगे। मोदी जी के तुम से कहना चाहूंगा पार्लियामेंट जो सुप्रीम अथॉरिटी है इस देश की, क्या पार्लियामेंट के फैसले को कोई असेंबली वोट कर सकती है? कतई भी नहीं। जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे वो इनसे सवाल पूछे कि जो फैसला पार्लियामेंट में हुआ है इनका दुष्प्रचार, इनका स्तर प्रचार कि पार्लियामेंट में सब कुछ फैसले दो तब एक असेंबली बात करे, लिहाजा ये धोखा है, इस धोखे से बाहर आना है। आज घंटा घर में जो तारीखी जलसा यहाँ पे होने जा रहा है ये बहुत चीजों को इंडिकेट करता, एक इंडिकेशन ये है कि देश